सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू चटनी वाले, बहुत टेस्टी लगता है ये। एक बार चेक कर लेते हैं कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी दम आलू चटनी वाले बनाने के लिए। चटनी के लिए सामान देख लेते हैं। धनिया पत्ता लिया है एक बाउल, आधा बाउल पुदीना पत्ता है, एक कच्चा आम लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है गुठली हटा के, नमक लिया है मैंने। अगर कच्चे आम का सीज़न ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए देख लेते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्याज लिया है मैंने दो, इसको मैंने पीस लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है, जीरा है एक छोटा चम्मच, दो चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट है, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर है, दो बड़ा चम्मच काजू लिया है मैंने, एक बाउल दही लिया है। ऑयल यूज़ करेंगे 5 से 6 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। टमाटर एक लिया है मैंने जिसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 4 बॉयल आलू लिए हैं मैंने। सबसे पहले हमें ज़रूरत है चटनी पीस कर तैयार करने की, तो सबसे पहले मिक्सी जार ले लेंगे, इसमें सारा सामान इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको पीस कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। चटनी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब फिर से मिक्सी जार लेंगे, दही डालेंगे, काजू डाल लेंगे, दोनों को एक साथ पीस कर स्मूथ होने तक पेस्ट तैयार कर लेंगे। काजू और दही को भी एक साथ पीस के तैयार कर लिया है मैंने। अब आलू को मोटे मोटे पीस में कट कर लेंगे। एक आलू में 8 पीस बनाएंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुका है, 4 से 5 चम्मच इसमें ऑयल डाल लेंगे, आलू डाल लेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई चढ़ा लेंगे। तीन चार चम्मच ऑयल डाल लेंगे, जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। जीरा ब्राउन हो चुका है, प्याज डाल लेंगे। प्याज को हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारा भून चुका है, लहसुन अदरक पेस्ट डाल लेंगे, इसको भी मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, इसमें दही और काजू का पेस्ट डाल लेंगे। ये अच्छे से भून चुका है, ऑयल छोड़ने लग गया है, कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, चटनी में भी नमक है तो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर पक चुका है, हरी चटनी डाल लेंगे, मिर्च पाउडर,
अच्छे से इसको मिक्स करते हुए गाढ़ी होने तक पकाना है हमें। ये गाढ़ा होके सूखने लग गया है। आधा कप इसमें पानी मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आने लग गया है, आलू डाल लेंगे इसमें। आलू और गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे बिना ढके हुए, क्योंकि किसी भी सब्जी में दही, दूध या मलाई डालते हैं तो उसे ढक के नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो वो ग्रेवी फट जाती है। सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, गैस को ऑफ कर लेंगे। दम आलू चटनी वाले बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इंग्रेडिएंट्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।